अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में बना रही हूँ सूजी की पिनिया, जिसे रवा के लड्डू भी कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए। एक प्याली मैं इसमें सूजी यूज़ कर रही हूँ, 6 टेबलस्पून शुगर यानी कि 6 बड़े चम्मच चीनी के। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक प्याली मैदा, जितना हम इसमें सूजी ऐड करेंगे उतना ही हमने इसमें मैदा ऐड करना है। 2 टेबलस्पून बादाम कट किए हुए, 1.5 टेबलस्पून गिरी क्रश की हुई, 1 कप पानी, चीनी को हम मेल्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 गिलास ही दूध, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध है, और इसके अलावा इलायची के दाने, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी को इजीली तैयार करने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें मैं 1 प्याली सूजी ऐड करूंगी और साथ ही मैं उसमें 1 प्याली मैदा ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें बाद में मसला नहीं होगा इसे मिक्स करने में। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक कढ़ाई लूँगी, फ्लेम इसके नीचे मैंने ऑन कर दी है। हमने ये सारी रेसिपी बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करनी है, तो इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद कुकिंग ऑयल को पहले हम गर्म होने देंगे। आप इसके अंदर बटर, देसी घी, जो आपको सही लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, हम इसके अंदर इलायची के दाने ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे पहले हम भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर सूजी और मैदा ऐड कर देंगे। फ्लेम इसके नीचे मैं आपको अगेन बता दूं कि हमने लो ही रखनी है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब हमने इसे लो फ्लेम पे भूनना है अच्छी तरह। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह। जब तक हमारी सूजी और मैदा ब्राउन होती है तब तक हम चीनी का शीरा तैयार कर लेते हैं। सॉस पैन में सबसे पहले मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर उतना पानी ऐड करना है कि ये चीनी भीग जाए। बस अब हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। सूजी को लो फ्लेम पे ही मैं भून रही हूँ अच्छे से। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चीनी को मेल्ट करने के लिए अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की है। पहले हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे, इसको अलग से डिश आउट कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे। उसके बाद हम चीनी को मेल्ट करेंगे, क्योंकि सूजी को ठंडा करने के बाद हमने इसके अंदर गर्म शीरा चीनी का ऐड करना है। और चम्मच इसके नीचे लगातार हम हिलाते रहेंगे लो फ्लेम पे।
ख्याल रखना है इसका कि ये जले नहीं। पूरे 15 मिनट से मैंने लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे डिश में निकाल लूंगी। डिश में मैं निकाल लूंगी ये सारा। और इसमें निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम चीनी का शीरा तैयार कर लेते हैं। चीनी को मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया है। इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है। दो तार वाली हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। हमने इसे ठंडा करने के लिए रखा है। साथ ही हम इसके अंदर अब ये क्रश की हुई गिरी ऐड कर देंगे। अब गिरी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे स्पून की मदद से ये करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ की मदद से इसका अच्छी तरह इसको बना लेंगे। ये देखें हमारी चाशनी बननी तैयार हो गई है। दो तार वाली हमारी चाशनी बनके तैयार है। ये देखें ये गाढ़ी हो गई है। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। मैं आपको ये चेक करके बता देती हूँ। ये देखें जब ये ऐसी शेप में आ जाए, ऐसे चिपकने लगे, तो मतलब हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसे सूजी में ऐड कर देंगे। पहले से ऐसे अगेन एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें चाशनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसे स्पून की मदद से ही मिक्स करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। हाथ की मदद से हमने इसे मिक्स नहीं करना। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ लगातार। ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गई है। हम इसे हाथ की मदद से चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम स्पून को साइड पे कर देंगे और इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर ये गुठलियाँ बनी हैं ये सही हो जाएं। ये देखें थोड़े से हम इसके अंदर बादाम भी ऐड करेंगे और थोड़े से हम गार्निश करने के लिए रख देंगे। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखें
हाथों की मदद से इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर अब कोई लम्स नहीं है। अब लास्ट में हम इस पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा दूध लेंगे और ऐसे कहीं कहीं डाल देंगे। इसमें दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। बाकी का दूध भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे इसमें अच्छे से मैंने दूध को मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा दूध मैं हाथ पे लूँगी और इसे हाथों पे लगा लूँगी। अब आपने जिस शेप की पीनी बनानी है उतनी उतनी लेती जाएँ और इसकी गोल शेप बना लें। अगर आप छोटी पिनियाँ बनाना चाहते हैं आप छोटी बना लें, बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की बना लें। ये देखें, इसे मैंने शेप दे लिया गोल। अब गार्निश करने के लिए जो मैंने बादाम रखे थे वो हम इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर देंगे और इस तरह हम सारी पिनियाँ बना के रख लेंगे। मज़ेदार सूजी की पिनी यानी कि रवा लड्डू बनके तैयार हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।